सदर सांसद रवि किशन ने जनपद वासियों सहित देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि छठ पूजा एक आस्था का पर्व है। उन्होंने कहा, 2500 साल पहले एक राजा और रानी थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तब छठ माता पानी से अवतार लेकर राजा के लड़के को जिंदा कर दिया। उसके बाद राजा और रानी छठ माता के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में निकल गए। उन्होंने कहा, यह सबसे कठिन व्रत होता है, इसमें महिलाएं 3 दिन का बिना जल के निर्जल व्रत रहती हैं तथा सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद पानी पीती हैं। उन्होंने कहा, छठ माता से मेरी मन्नत है कि सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, कल छठ माई की कृपा बनल रहे सब पे। शब्द बहंगी लचकत जाए माई काल ठेकुआ का आनंद होई। ये पर बहुत पावन बाटे छठी माई। एगो कहानी रहे, 2500 साल पहले एगो राजा के लड़का भई रहल और वो लड़का मुआ गए रहल और उकर बाद वो लड़का ना जीवित होत रहे, तब छठ माई पानी से अवतरित भईनी समंदर से और वो लड़का के बचा लेनी और उकर बाद वो राजा रानी प्रचार प्रसार में छठ माई के निकल गई ना। तो छठ माई की कृपा इतना अपरंपार बाटे कि हम का कहीं। जितना लोग भी व्रती वाणी माई बहन सब लोगन के हम गोड़ छू के प्रणाम करब कि ये सबसे कठिन व्रत होता है छठ का, जहाँ पे निर्जल होती हैं, एक घूंट पानी नहीं हो पीते और अर्घ देते हैं पानी से, सूर्य देवता से जुड़ा हुआ ये पर्व होता है। तो सारी माता बहनों को मैं रवि किशन, सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से प्रणाम करता हूँ। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं और माई की कृपा आप लोगों की सारी मनोती पूरी हो, यह माई से हमार यही मनोकामना बाटे।